हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो एडमिट कार्ड थे वो 15 तारीख को आने वाले थे, वो किसी कारणवश से 15 तारीख को नहीं आए हैं। तो इसी के लिए यह नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि लिखा गया है कि मैं आपको इसमें पढ़कर बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। इधर देखिए, यह है इसमें ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन 2022 आर हेयर बाई इंफॉर्मेड दैट लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कुड नॉट बी होस्टेड ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट ऑन 15 फरवरी 2023 ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। द सेम विल बी अवेलेबल ऑन 20 फरवरी 2023। एडमिट कार्ड मे बी डाउनलोडेड अकॉर्डिंगली। यानी कि इसमें कहा गया है कि एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो परीक्षा थी उसके सभी उम्मीदवारों को घोषित किया जाता है कि सीवीटी आधारित यानी कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है उसके लिए जो एडमिट कार्ड थे वो 15 तारीख को होस्ट होने थे। इसमें तकनीकी मुद्दों के कारण अब वह एडमिट कार्ड 20 तारीख को उपलब्ध किए जाएंगे। उसके बाद आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीआरपीएफ की तरफ से ये एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल के लिए नोटिस जारी दिया गया है। इसमें आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 20 तारीख को आ जाएगा, यानी कि 20 फरवरी को आप सभी के नौ एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है किसी भी अभ्यर्थी को। तो ये रहा, ये 16 तारीख को इसमें ये नोटिस आया है डीआईजी सीआरपीएफ की तरफ से। ये आपको देखो, मैं इसको पढ़ के मैंने आपको बताया। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। इसमें वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल और सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसमें रिक्वायरमेंट टू फिल अप वैकेंसी फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सीआरपीएफ एग्जामिनेशन 2022। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, आप सभी का एडमिट कार्ड 20 फरवरी को आ जाएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।